शिक्षकों के भरोसे जिंदगी मत काटना, ये वेतन भोगी हैं, इन्हें केवल मार्कशीट पकड़ाना है, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा बच्चा कैसा है, क्या करता है। वो तो कहेंगे रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बाकी तुम्हारा जो व्यवहार है वो तुम जानो। इस ध्यान रखना, अक्षरों का ज्ञान देना स्कूल के टीचर का काम है, और अनुभव का ज्ञान देना मां बाप का काम हुआ करता है, वो आपका दायित्व हुआ करता है। आप विचार करिए, गौर करिए अपने बच्चे पर, छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि अपने बच्चों को कैसे परवरिश करना है उनकी। आप सोचिए, आप गौर करना अपने बच्चों पर, किसी के दर्द पर, किसी की पीड़ा पर तुम्हारा बच्चा हंसता तो नहीं है, तुम्हारा बच्चा उसकी मजाक तो नहीं बनाता है। यदि मजाक बनाता है रोक दीजिए उसे वहीं पर। किसी के दर्द पे मुस्कुराना मत सीखो मेरे भाई। कोई भूखा यदि तुम्हारे घर में है, यदि कोई दो बच्चे खाना खा रहे हैं, तो आप प्रवृत्ति पर ध्यान रखना, वो अपनी रोटी उसे देता है या नहीं देता है। यदि नहीं देता है तो आज से तुम्हें उसे अच्छे संस्कार देने का प्रयास करना पड़ेगा। यदि तुम्हारा बच्चा अपनी रोटी तो रखता ही है अपने पास, लेकिन दूसरे की रोटी भी अपने पास लाता है, तो समझना ये भारत के लिए बहुत खतरनाक व्यक्ति बनेगा, ये समाज और परिवार की कलह में कारण बनेगा, ये तुम्हारे दुखों का आमंत्रण बनेगा। और यदि कोई बच्चा ऐसा है जो अपनी रोटी भी दूसरों की थाली में रख दिया करता है, तो समझना हमने किसी महापुरुष को जन्म दिया है अपने घर में। प्यासे को पानी पिलाता है या नहीं पिलाता है? तुम्हारा बच्चा दूसरों का सामान छीनने को तो नहीं रोता है? तुम्हारा बच्चा दूसरों से तमीज से बात करता है या नहीं करता है? वह बड़ों को बड़ों जैसा सम्मान देता है या नहीं देता है? आज तो छोटा है तो लाड़ प्यार में आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कल जब ये बड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए खतरा बन करके खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिए, आज अच्छा लगता है, विचार करिए आप अपने बच्चे। मेरे पास लोग आते हैं, मैं छोटे बच्चे से पूछता हूं, बेटा नमोकार मंत्र आता है? बच्चा बोलता है नहीं आता है, तो मैं माँ बाप की तरफ देखता हूं, माँ बाप की नजरें झुक जाया करती हैं। मैं कहता हूं कि बेटा 24 तीर्थंकरों के नाम आते हैं, बच्चे को नहीं आते हैं, उससे मैं पता लगा लेता हूं ये घर संस्कारित है या नहीं है, ये घर धार्मिक है या नहीं है। आपके घरों में जब मैं आहार लेने जाता हूं, अभी तो नहीं गया बारामती में किसी के यहां, जाऊंगा, चिंता मत करो, सबके घर में रेट पड़ेगी, ध्यान रखना, सबके घर में, ध्यान रखना, जांच बैठेगी। मैंने जो एक महीने चिल्लाया है उसका क्या रिजल्ट आया है? जब मैं आहार लेने के लिए तुम्हारे घर जाता हूं और देखता हूं कि जूता कहीं पड़ा है, बैग कहीं पड़ा है, बच्चे की यूनिफॉर्म कहीं पड़ी है, बाप के बिस्तरों में सलवटें पड़ी हैं, मैं समझ जाता हूं ये घर संस्कारित नहीं है। और आपका घर यदि व्यवस्थित जमा हुआ है तो मैं समझ जाता हूं कि मां बाप के अंदर संस्कार है और इनकी औलाद भी संस्कारित, पता लग जाता है। ध्यान रखना, शिखर से पता चलता है समाज कितनी धार्मिक है, और घरों से पता चलता है ये परिवार कितना संस्कारित है और कितना सभ्यता वाला है। एक गिलास पानी मंगाओ, बच्चा गिलास लाए और दो उंगली गिलास के अंदर हो, समझना संस्कारित घर नहीं है। ध्यान रखिए, मेहमान आए बच्चे भाग जाए, उनका अभिवादन ना करें तो संस्कारित घर नहीं है। ध्यान रखिए, आपकी पूजा पाठ से मैं पता कर लेता हूं, चौके में पूजा होती है, आहार के पहले थाली भरी है, चार चार दाने चढ़ा रहा है, भरी थाली चढ़ाया नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये समझो कि इसकी वृत्ति कंजूस की वृत्ति है। ये आदमी उदार भावों से पूजा नहीं करता है, ये आस्था भाव से पूजा नहीं करता है। चरण प्रक्षालन करते हो, जग भर के पानी लाते हो, दो बूंद डालते हो, जग वापिस ले,
क्यों वापस ले जा रहे भाई, नल नहीं आ रहे क्या तुम्हारे यहां, या सूखा पड़ा है या पानी नहीं है? अरे कुछ दिन तो ऐसा हो जाएगा यदि ये प्रवृत्ति चलती रही तो अगली बार तो आदमी आई ड्रॉप लाएगा, दो ड्रॉप डालेगा, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल। ये प्रवृत्तियां हैं, आहार में आपकी प्रवृत्ति देखी जाती है, ध्यान रखना। कैसे दे रहे हैं आप, दाल कैसे दे रहे हैं आप, सब्जी कैसे दे रहे हैं, ध्यान रखना। कंजूसों के हाथ से छूटता नहीं है, और जो उदार होता है वो उदार वृत्ति से महाराज और ग्रहण करिए और ली खाना, महाराज तो उतना ही लेंगे जितना उन्हें लेना है, लेकिन उससे आपकी प्रवृत्तियां पता चल जाएंगी। चार महिलाएं सुबह से काम कर रही हैं मन मन चौके में, एक ऐसी आएगी, एक धक्का इधर दिया, एक धक्का उधर दिया, आगे खड़ी, काम आम कुछ करना नहीं है, समझना ही झगड़ालू औरत है, ध्यान रखना। ये नेतागिरी ज्यादा जानती है, ये राजनीति ज्यादा जानती है, काम कोई कर रहा नाम खुद कमा रही है, ये राजनेता होते हैं, ध्यान रखना। एक कल्याण नहीं करे, ये कोई खुशहाल जीवन नहीं बना सकते हैं अपना। कई ऐसे होते हैं बिल्कुल शांत रहते हैं, काम भी करते हैं लेकिन आवाज नहीं किया करते हैं, चुपचाप शांत खड़े हैं, सुबह से मेहनत करते हैं लेकिन कोई धक्का नहीं मारते हैं। कोई आहार देता है तो आइए आप दीजिए, हम बाद में दे लेंगे, समझना वो संस्कारित आदमी है, वो सभ्यता वाला घर हुआ करता है, ध्यान रखिए। मान्यवाद सोचना है आपको, विचार करना है आपको, आपकी इन क्रियाओं से आपके संस्कारों का पता चलता है, ध्यान रखिए। आप कैसे घर के हैं, आपकी मान मर्यादाएं कैसी हैं? आऊंगा मैं अभी तुम्हारे घरों में पर्यूषण के बाद सबको रिजल्ट देने के लिए कि तुम क्या कैसे हो, तुम पंडाल में कैसे दिख रहे हो, घर में पता पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी क्या हुआ करती है। पंडाल में तो सब सज धज के बैठे है मजे से टिप टाप, यदि इतने लोग सुधर जाएं तो मोदी को इतनी मेहनत काहे को करना पड़े मेरे भाई, देश का कल्याण कब का हो जाएगा, ध्यान रखिए संस्कारों का। मैं ब्रह्मचारी था अहमदाबाद में, 93 की बात है, मैं एक के घर में भोजन के लिए गया, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी पधारिए भोजन ग्रहण करिए। मुझे बिठाया गया, मां रोटी बना रही थी, अब ब्रह्मचारी को तो एक दो ही लोग देते हैं, महाराज थोड़ी है कि लाइन लग रही है, मां रोटी सेक रही है, बेटी से कहा ब्रह्मचारी जी को भोजन परोसो, बेटी ने भोजन परोसा मेरी थाली में, नमक रखने का समय आया और जैसे ही बच्ची ने नमक रखा मां की निगाह पड़ी, उसने एक बेलन उसके हाथ में मारा, लड़की का हाथ झनझन आ गया। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, ये मैं भोजन कर रहा हूं कि यहां तो महाभारत चल रही है, फट से लड़की कुछ ना बोली, ना लड़की रोई ना लड़की चीखी, कुछ नहीं, चुपचाप रही। उसने व्यवस्था बदल दी। आहार के बाद मैंने पूछा, मेरा तो मौन था, मैंने कहा मैं आपके यहां भोजन को आया, आपकी लड़की इतने प्यार से परोस रही थी, आपने उसे बेलन क्यों मार दिया? बोले ब्रह्मचारी जी इस लड़की को मैंने 10 बार समझाया कि थाली में नमक कहाँ रखते हैं और सब्जी कहाँ रखते हैं, ये आज फिर भूल गई, तो जब ये समझाने से नहीं समझी तो मुझे बेलन उठाना पड़ा, और आप जानते हैं मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, और एक बेलन ने नमक कहां रखना चाहिए वहां व्यवस्था इसकी करा दी, अपने आप इसने उठाकर रख दिया, अब इसे जिंदगी भर याद। मैंने कहा इतनी बारीकी, मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है नमक यहां रख दिया यहां रख दिया? बोले महाराज नमक के स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आदमी के व्यवहार में बहुत फर्क पड़ा करता है, मेरी लड़की पराए घर जाएगी, इसे इतना ज्ञान होना चाहिए कि भोजन कैसे परोसा। इतना ध्यान आप देते हैं बच्चों का भविष्य बनाने में, मान्यवर निवेदन है आपसे, सोचना है आपको कैसे करें बच्चों की परवरिश। एक लड़की की शादी होना थी,
अमीर आदमी, करोड़पति, अरबपति, किसी पैसे की कमी नहीं, बीसियों नौकर चाकर जिसके घर में, एक करोड़पति के घर में एक आदमी अपने लड़के के लिए लड़की देखने गया, और जैसे ही गया बड़ा स्वागत हुआ, कालीन बिछाए गए, गुलाब जल से स्वागत हुआ, आइए अभिनंदन है, आपका स्वागत है, पधारिए, बहुत स्वागत हुआ। डाइनिंग टेबल पर इतनी प्लेट लगी कि लड़के का बाप देखकर हैरान हो गया कि इनके घर में ऐसा भोजन हुआ करता है, बड़ा स्वागत सत्कार। लड़के हर चीज में, नौकर खड़े हुए हैं, पानी लेकर नौकर खड़े, अटैची उठाने के लिए नौकर खड़े, कार का दरवाजा खोलने के लिए नौकर खड़े, बड़ा स्वागत हुआ। लड़की के पिता ने कहा, तो भाई साहब रिश्ता पक्का समझूं? लड़के के पिता ने कहा, घर जाके जवाब दूंगा। अरे बोले, क्या पसंद नहीं आया? मेरी लड़की पढ़ी है, लिखी है, खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, पढ़ाई लिखाई में टॉपर है। उसके ने कहा, ठीक है, जवाब घर जाके दूंगा। 8 दिन बीते, 10 दिन बीते, 1 महीना बीता, कोई जवाब नहीं। लड़की के पिता का फोन गया, भाई साहब आपने कुछ जवाब नहीं दिया, हां या ना में जवाब दो, क्या कमी है मेरे घर में? लड़के के पिता ने कहा कि भाई साहब मुझे क्षमा करना, यदि मैंने महीने भर जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है मैं तुम्हारे घर में रिश्ता नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब आप मजबूर कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। अरे क्या कमी रह गई, मेरी लड़की पढ़ी लिखी है। बोले बेशक, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरी लड़की। बोले आपकी लड़की बहुत सुंदर है। सुंदरता तो बहुत है उस लड़की में, मेरे घर में पैसों की कमी नहीं, कितना पैसा चाहिए आपको? लड़के के पिता ने कहा, मैं अपने बेटे को बेचता नहीं हूं पैसों में, मेरा बेटा बड़ा योग्य है, सुशील है, और रही दौलत की बात, तो दौलत की कमी तो मेरे घर में भी नहीं है। यदि ये करोड़पति के घर रिश्ता लेके पहुंचा था तो मैं कोई खाकपति तो नहीं होऊंगा ना मेरे भाई, मेरे पास भी पैसा है। तो उसने कहा, भाई साहब जरा ये बता दो, ऐसी कौन सी बात है जिससे आप शादी नहीं कर रहे? बोले बस एक बात मेरे सीने में चुभी है, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी से शादी अपने लड़के की नहीं करूंगा। बोले कौन सी बात चुभी है? बोले जहां पानी भी नौकरों के द्वारा परोसा जाता हो, जहां भोजन भी नौकरों के द्वारा परोसा जाता हो, जहां सब व्यवस्थाएं नौकरों के द्वारा होती हो, अरे उस घर की लड़की लाके मैं अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। अरे मुझे तो वो लड़की चाहिए जो अपने हाथ से खाना बनाना जानती हो, और अपने हाथ से अपने द्वारा लोगों का अभिवादन करना जानती हो। मुझे सुंदरता नहीं चाहिए भाई साहब, हमको संस्कारित लड़की चाहिए, संस्कार वाला घर चाहिए, ऐसा संस्कार वाला घर। अरे ये दौलत तो आज है, कल ना रहेगी, और जिस दिन दौलत ना रहेगी, नौकरों को छूटने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है, लेकिन बेटी के साथ यदि संस्कार है तो दौलत रहे या ना रहे, ध्यान रखना, ये रुपए पैसे घर की लक्ष्मी नहीं, मेरी बहू मेरी घर की लक्ष्मी हुआ करती है, उससे बड़ा धन दुनिया में कोई दूसरा। अपनी बेटियों को ये सिखाया है आपने, खाना बनाना नहीं आता तुम्हारी लड़कियों को, ध्यान रखना। जो पत्नी, महिलाओं को कुछ सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, अब मुझे नहीं पता कि अब स्कूलों में होम साइंस पढ़ाई जाती है या नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन महिलाओं को, बालिकाओं को, अपनी बेटियों को कुछ सिखाओ या ना सिखाओ, अच्छा खाना बनाना जरूर सिखाइए, अच्छा भोजन बनाना जरूर सिखाइए, कोई कला आए या ना आए, पाक कला आपकी बच्ची को जरूर आना चाहिए। और लड़कियों को ही नहीं, वक्त पड़े तो लड़कों को भी खाना बनाना, ये कोई छोटा काम नहीं है। आप ये मत समझो खाना बनाने से हमारा स्टेटस गिर जाएगा,
नहीं मेरे भाई, अरे वही पति पड़ोस में खाने जाता है, वही पति ढाबे का खाना पसंद करता है, वही पति रास्ते में खड़े हुए ठेलों पर खाता है, जिसकी पत्नी को अच्छा खाना बनाना नहीं आया करता है। आप अच्छा बनाइए, बाजार से भी अच्छा बनाइए। कौन है जो बच्चा बाहर जाकर खाना खाएगा? लेकिन मम्मियों को टाइम कहां है? वो अपनी किटी पार्टी में लगी हुई है। मम्मियों को वक्त कहां है? वो अपने टैलेंट बनाने में लगी हुई है, वो अपने करियर में सोच रही है। बच्चों के बारे में कुछ सोचा है? किटी पार्टी में यहां घूमना, वहां जाना, ये करना, ये सजना, ये सवरना, यहां वहां, टाइम ही नहीं है मम्मी के पास। ध्यान रखिए, क्या संस्कार देंगी आप लोग? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। कितनी खुश हो जाती है बंबई वाले के नाम से, वाह मजा आ गया। ध्यान रखिए, वक्त नहीं है बच्चों के लिए आपके पास। बच्चा स्कूल से आता है, मम्मी मम्मी भूख लगी, मम्मी भी टीवी स्टाइल में आ जाती है, बेटा 2 मिनट मैगी लाई, धत मैगी खिला रहे उसको। विचार करिए, रोटी बनाना नहीं आती है, खाना बनाना नहीं आता है, खाने में निपुण होना चाहिए हर नारी को। ये भारतीय संस्कृति है मान्यवर, आपको बोलना आना चाहिए, आपको सभ्यता से बोलना आना चाहिए। आपको कैसे चलना है, कैसे उठना है, क्या पहनना है, आपको ये भी नहीं आता है। अच्छे कपड़े पहनो सभ्यता के, ये अश्लील कपड़ों से थोड़े देर का अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन आपको समाज में इज्जत मिलने वाली नहीं है। अच्छे कपड़े पहनाइए, ऐसे वस्त्र पहनती हैं बालिकाएं जिन्हें देखकर शर्म से हम संतों को माथा झुकाना पड़ता है। ध्यान रखिए, और माताएं ऐसे बच्चों को छूट दे दिया करती हैं, ऐसी बालिकाओं को छूट दे दिया करती हैं, ये बहुत दुखदाई है। ध्यान रखना मान्यवर, सभ्यता के एक बात ध्यान रखना, मम्मी सिखा रही है, पापा सिखा रहे हैं, दोस्त सिखा रहे हैं, मेरी बेटी क्या बनेगी? मिस वर्ल्ड बनेगी, वाह विश्व सुंदरी बनेगी, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स। क्या होगा इनको बना के, क्या होगा? विश्व सुंदरी बन गई तो होगा क्या? ध्यान रखना, ये हमारी भारत की संस्कृति है, यहां बच्चों को बेटियों को विश्व सुंदरी बनाने के संस्कार मत दो। यदि देना है तो ब्राह्मी सुंदरी बनाने के संस्कार दीजिए, मैना सुंदरी बनाने के संस्कार। मैं बच्चियों से पूछता हूं, बहुओं से पूछता हूं, विश्व सुंदरी बन के क्या करोगी? विश्व सुंदरी बन गया, एक ताज रख दिया, थोड़ा इनाम मिल गया, पैसे मिल गए। एक बात बताओ, हमारे देश में एक आरिका खड़ी हो जाए और एक विश्व सुंदरी खड़ी हो जाए, तो आप बताइए दोनों में आस्था का शीश किसके चरणों में झुकेगा? साध्वियों के चरणों में शीश झुका करता है, सन्यासियों के चरणों में शीश झुका करता है। विचार करिए, विश्व सुंदरी को भी साध्वी के चरणों में माथा झुकाना पड़ेगा। तो एक बात याद रख ले, मेरे देश की बेटियां मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड बनने में हमारा गौरव नहीं है, अरे सीता मैना और अंजना बनने में हमारा गौरव हुआ करता है, जिनके मंदिर बनाए जाते हैं, जिन्हें श्रद्धा से शीश झुकाया जाता है। ये पाठ पढ़ाओ अपने बच्चों को, कहानियां सुनाओ महापुरुषों की, नहीं वो मोबाइल पकड़ा दिया है, ऐसी चीजें देखते हैं जो देखना नहीं चाहिए। बच्चे समय से पहले जवान हो रहे हैं, बच्चों को वो सब मालूम है जो पहले 18 साल 19 साल के बाद मालूम हुआ करता था, वो 5 साल के बच्चे को सब। ये हालात है हमारे घर के, टीवी देखते हैं, इंटरनेट कंप्यूटर, ये वरदान है, लेकिन इनका दुरुपयोग किया तो जिंदगी के लिए बहुत बड़े अभिशाप हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, इन साधनों का उपयोग कैसे कर, पहले के जमाने में क्या होता था, एक टीवी होती थी, पूरा घर बैठ करके उस टीवी को देखता था,
वही चीजें देखी जाती थी जो चार लोग बैठ के देख सकते थे। अब तो लड़की के कमरे में अलग टीवी है, बच्चे के कमरे में अलग टीवी है, माँ बाप के कमरे में अलग टीवी है, दादा दादी का अलग टीवी है। मर्यादाएं खत्म हो गई हैं। जैसे टीवी इंटरनेट आया है घर में, ध्यान रखना किसी से किसी को बात करने की फुर्सत नहीं है। पिताजी आते हैं वो अपना चैनल खोल के बैठ जाते हैं, मम्मी है वो अपना सीरियल देखती रहती है, दादी जी अपने आस्था चैनल पे लगी रहती है, और बच्चे अपने फैशन शो में लगे रहते। आज जमाना बदल गया है, ऐसा खो गया इंसान, घरों की स्थितियां बदल गई हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि टीवी ना हो, लेकिन घर के एक हाल में टीवी होना चाहिए जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठ करके स्वच्छता को देख सके, संस्कार। आज झगड़े हो जाए और आज ऐसी टीवी सत्यानाश हो, इस टीवी का ऐसी टीवी आ गई हमारे घर में, ऐसी अरे टीवी क्या वो कुल देवी बन गई हमारे घर की। ध्यान रखिए, आदमी नीचे बैठता है टीवी ऊपर बैठा करती है, कुल देवी, वो कुल देवी टीवी और कुल देवता मोबाइल। ध्यान रखना, सुबह से उठ के भगवान के दर्शन हो या ना हो, दूरदर्शन सबसे पहले हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, एक माँ अपने बच्चे को चूमे या ना चूमे, सुबह से उठते साथ मोबाइल चूमना प्रारंभ कर दिया करती है, मोबाइल को मुंह से लगाना, मोबाइल ऐसा चल रहा वो मोबाइल, रात मोबाइल, दिन मोबाइल, सोते सोते मोबाइल। विचार, आजकल तो जन्मदिन के उपहार में भी कोई मिठाई नहीं खिलाता, मोबाइल में केक बना है दबा दिया जाता है, ले बेटा हैप्पी बर्थडे, धन है, वो भी डकार ले लेता है, मजा आ गया, बोले थैंक यू, मिठाई भी बच गई मेरे भाई। ध्यान रखना, सोचना क्या स्थिति हो गई। मोबाइल तो ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, मैंने मुंबई में देखा एक भिखारी भीख मांगने गया। अब मुंबई में तो यार 30-30 फ्लैट है, 30-30 मंजिल की बिल्डिंग है, कहां तक जाए वो मांगने। उसने मोबाइल उठाया, ऊपर फोन लगाया, अम्मा जी कुछ है क्या। बहू ने कहा अम्मा जी मंदिर गई है। बोले ऐसा करो आए तुम इसकाल देना। ध्यान रखिए, बाहरे देश के हालात, मिसकाल दे देना, जो भी हो मुझे दे देना। अरे बोले हमारे यहां भी खाना नहीं बना है, तो बोले ऐसा कर 100 रुपए का बैलेंस डलवा दे। ध्यान रखिए, जय हो पंचम काल की, ऐसा मोबाइल आ गया है, ऐसी मोबाइल की। अरे ये तो चलो ठीक है, भिखारियों के पास मोबाइल, रिक्शे वालों के पास मोबाइल, बिना आजकल किसी को बोलो कि जा रहे उसको बुला के लाना, तो आदमी हिलता ही नहीं है, यहीं से मैसेज करता, यहीं से कहो जल्दी आओ महाराज बुला रहे। अरे बाप रे, ऊपर से नीचे में फोन लग जाया करता है। वाह, मैं तो देख देख के हैरान हूं तुम्हारे नजारे, ऐसे नजारे क्या होगा इस देश का। एक बार क्या हुआ, एक आदमी की मौत हो गई, अर्थी जा रही है। अब कोई किसी के यहां मर जाए तो वो ही मोबाइल में पूछेगा क्या हुआ क्या चल रहा है। अरे बोले उसका बेटा आने वाला है, बस उसको अर्थी पे लिटाए। अरे बोले अर्थी जाने लगे तो कॉल करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं। ये तुम संवेदनाएं बांटने जा रहे हो, मुर्दा चलने। बोले वो क्यों भाई, अर्थी पहुंच गई क्या मरघट। बोले नहीं नहीं अभी उठी है, अभी चल रही है। बोले देखो मरघट पहुंच जाए तो फोन करना है। अब अर्थी चली 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 थोड़ी दूर चली, अब हुआ क्या, उसने फिर फोन घुमा दिया, फिर फोन लगा दिया, शव यात्रा में जा रहे है, मोबाइल बज रहा है मरघट में, अर्थी कंधे पर रखी है, रिंगटोन बज रही है, एक बार आजा 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 झलक दिखला जा। मैंने कहा रामलाल ये मुर्दे ने झलक दिखला दी ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे तेरे। ध्यान रखिए, दुख का माहौल है, गाना कुछ और बज रहा है उसमें। बोले क्यों रे कहां पहुंचे। अरे यार बोले शांति तो रख, पहुंचने वाले हैं। बोले यार जल्दी पहुंचो यार, पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर देना। मरघट ले गए, मुर्दा उठाया, लकड़ी पे लगाया, फिर फोन आया क्या चल रहा है आऊं क्या। अरे बोले बस अब लकड़ी, यार कितनी देर लगेगी इसको जलाने में। अरे बोले तुझे को ज्यादा जल्दी पड़ी है ना, तो ले मुर्दा से ही बात कर लेगी, तू कब जलेगा। ध्यान रखिए, विचार करिए, ऐसे माहौल बन गए हमारे यहां के। सोचना है क्या क्या व्यवस्थाएं बन रही,
मान्य। विचार करिए, आप सोचना है आपको, मैं इन चीजों का विरोध नहीं करूंगा लेकिन इनका सदुपयोग हो।